छुपा के जियो और न सर झुका के जियो कहूंगा दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो न छुपा के जियो और न सर झुका के जियो बोल के ठंडा कटी दा स्पीकर पे बोल के दो तलवारा बंदर आ गया काबू बंदर आ गया काबू मैं कह एक असली ते एक नकली एक तलवार असली ते दूजी नकली दस मेरे तेरे वास्ते की शॉपिंग करके लाऊंगा तो दूजी कटिकता लग गया होया ओ इधर जा पैसे और कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर के किले पंडा एनकनिया कमाई जाना अच्छा मरासी ज्यादा मेरा दिमाग ना खराब कर मेरा मूड बहुत बढ़िया आया निकलेगा आंसू नहीं निकलेगा यू हैव टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन यू शुड बी एबल टू फील इट इनसाइड टू ब्रिंग योर टीयर्स मेरी ती नहीं
किसे बेईमान की चढ़ी है कैसे किया सुनती नहीं आप कुछ नहीं सुने आप मेरी सर की कोट दे रहे हो मेरे को कणक दी जगह पोली उगाई हर चीज बंजर हर चीज सुनी तेरे बगैर अबे कहे दिल चाहे कि पेट छट दवा पर जट पेंट उदो छटदा है जदों साध बन जाए जा किसी की तीवी कट के लै जी एक बार मौका भी आया सी पिंड छड़न का याद है तेन दिन ढड़े से ढापते मेरे का ग्राह क्यों दबे मुर्दे पट्टी चल वह सब गल उदो सी जब मैं अंजान सी मैनू नहीं पता मैं तेन की आख्या सब बचपन देडा सन राजे रानिया दहानियां परियां प्यो के किसे झूठे सुबे झूठिया नहीं चा तीवी जो मर्द पला फटके अग के द्वारे चक्कर लेंदी है तो उस अग में सब कुछ सड़के सुहाग हो जाता है ये फेस्टिवल हम तकरीबन रेगुलर देखते आ रहे हैं जो इनकी टीएफटी की होम प्रोडक्शंस हैं ये भी बहुत बढ़िया है बाकी जो नए नए प्रोग्राम्स हैं बहुत सारी वैरायटी है वो सब एकदम बढ़िया चल रहे हैं आ रहे हैं और आज के प्ले के बारे में हम ये कहेंगे ये प्ले तो मैंने 3-4 बार पहले भी देखा हुआ है लेकिन ये प्ले जितनी बार देखें मैं स्पेशली आज इसको फिर देखने आया था ये जितनी बार देखें इतनी बार 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 देखने को दिल करता है बाकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी सुदेश शर्मा जी की और एक्ट्रेस का कमाल था अनीता सबदीश जी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी बाकी जो नए नए कलाकार आ गए वो एक नया रंग इस प्ले में भर रहे हैं नई कास्टिंग थी बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बाकी बहुत परफेक्ट एकदम बढ़िया प्ले बहुत बहुत ही अच्छा था बहुत बढ़िया था तो देख के आनंद आ गया हम तो पहले जब इसका नाम सुना लोहा कुट मगर वैसे ही होगा कहीं जो लोहारों पे जैसे होता है ऐसे कुछ होगा पर अंदर जब देखा तो बस क्या बात थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्ले आपा पहली बारी देखा और बहुत चंगा लग्या सानू प्रोग्राम जिदा लोहा कुट सी 2-3 किरदार दा तां बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सी और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो
ये TFT ने ना इस चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्ले वॉज टू ऑसम, वो लेडी की एक्टिंग, द स्टोरी लाइन, एवरीबडी वॉज वंडरफुल, कंग्रेचुलेशन। लोहा कुट प्ले करके बहुत चंगा लग्या। बलवंत कारकी जी की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोडक्शन है, बहुत ही मतलब कमाल दी लिखत है उन्हां दी। ये लोहा कुट दे विच जो कहना चाहते ने वो कि एक इंसान जो लोहा कुटदा है वो दिन रात लोहा कुटदे कुटदे औरत नूं भी एक लोहा ही समझ के कुट रहे हैं। इस नाटक दे विच उन्हां दा कहन दा जो मैं जो मैनू फील हुंदा है कि वो ये कहना चाहते कि औरत नूं भी लोहा कुटते कुटते तुसी उस रूप दे विच ढालना चाहते हो जिस रूप दे विच लोहे नूं तुसी ढाल देंदे हो, कुट कुट के एक शेप दे देंदे हो। औरत नूं भी वो उस तरह कुट कुट के अपने हिसाब नाल चलाना चाहते हैं, पर यह बहुत मुश्किल है। औरत कोई वस्तु नहीं है, औरत एक जीवंदी जागदी इंसान है, उस दियां भी फीलिंग्स ने, जज्बात ने उस दे भी, जे उन्होंने नहीं समझोगे तो वह बगावत करेगी ही करेगी। नाटक लोहा कुट बलवंत गारगी जी का लिखा हुआ है, एक सशक्त क्लासिक नाटक हैगा जिहड़ा लगभग 1940 दे विच लिखा गया सीगा, प्रीतनगर शहर दे विच अमृतसर दे नेड़े। और बिफोर पार्टीशन जदों ये नाटक का पहला मंचन आकाशवाणी लाहौर तो होया तो उस वक्त एक बड़ी बगावत हो गई सी कि यह औरतों के अगेंस्ट है नाटक, और सारे जिन्हें भी लाहौर से उन्होंने आकाशवाणी लाहौर का घेराव कर लिया सी। लेकिन वो तो बाद फिर इस गल की उन्होंने जस्टिफिकेशन दी गई कि ये नाटक औरत की स्वतंत्रता दे उत्ते हैगा, उसकी आज़ादी दे उत्ते हैगा। नाटक दे विच है कि वो छड़ के चली जाती है, उसनु प्यार नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, लेकिन ये विच असी यह समझते हैं कि उसनु वो तो बाद प्यार बच्चिया नाल होया, मोह नाल होया, जो बच्चा फिर पिछे गया तो बच्चे दे मोह च फिर आके घर दे विच आंदी है। इस नाल असी अपना इस नाटक का समापन किया, जिहड़ा मैनू लगता है कि प्यार की कमी है, अगर पति तो नहीं मिलिया सानू बच्चों के रूप च मिलना शुरू हो जाता है। उस हकीकत नूं, उस यथार्थ नूं असी इस नाटक दे विच पेश करन दी छोटी जी कोशिश की।